हाय वेलकम टू एक्वेटिक पेट एसोसिएशन, माय नेम इज निशान। और आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे कालसा स्पीच के बारे में, जो ब्रीड के बारे में बहुत सारा लोग सुने हैं लेकिन पता नहीं कौन सा ब्रीड है, मतलब कहाँ से ओरिजिनेट है ब्रीड और कैसे बनता है ये ब्रीड और कहाँ मिलेगा। अगर आप गूगल में भी सर्च करके देखेंगे तो उसमें भी आपको कालसा स्पीच का कोई इतना डिटेल्स में नहीं मिलेगा, खाली इंडियन स्पीच, जर्मन स्पीच वही सब दिखाता है उसमें। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं हम लोग। एक्चुअली कालसा स्पीच जो होता है वो एक्चुअली एक क्रॉस ब्रीड होता है आपका दो कैटेगरी ऑफ ब्रीड्स का, इसलिए उसका कलर कॉम्बिनेशन और हेल्थ वगैरह कुछ मॉडिफाइड टाइप का लगता है, थोड़ा कल्चरली थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत बनता है, तो इसलिए उसको कालसा स्पीच बोलते हैं। और कालसा स्पीच का डिमांड भी बहुत है और उसमें आप लोग एक्चुअली बोल नहीं सकते कि मतलब किस टाइप का निकलेगा, हेयर कैसा होगा, क्या नहीं होगा। ये एक्चुअली मेनली इसमें इनको बनाने के लिए लासा का फीमेल और आपका पोमेरियन या इंडियन स्पीच का मेल का यूज़, जो इन दोनों के बीच क्रॉस ब्रीडिंग करा के आपका कालसा स्पीच बनाया जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लासा में बहुत सारा वेराइटी का, बहुत कलर का मतलब ब्रीड आता है, पप्पीस आता है, उनमें से किसी अगर बहुत खूबसूरत कलर का कॉम्बिनेशन करके आप व्हाइट पोमेरियन या इंडियन स्पीच का मेल यूज़ करके आप ब्रीड करेंगे तो काफ़ी खूबसूरत ब्रीड्स का पप्पी निकलता है और उसी पप्पी को कालसा स्पीच बोलते हैं। और यही स्पीच अभी बहुत धीरे धीरे फेमस होने जा रहा है। और दोस्तों, जैसे कि कालसा स्पीच एक क्रॉस ब्रीड होता है, दो ब्रीड का डॉग्स का एक क्रॉस होता है तो क्रॉस पप्पीज निकलता है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ब्लड लाइन थोड़ा वीक होता है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ब्लड लाइन उसका काफ़ी स्ट्रांग रहता है, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ डेफिशिएंसी हो सकता है कल्सर्स में, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि ब्लड लाइन बहुत ही वीक होगा। ब्लड लाइन बहुत स्ट्रांग होता है और साइज़ भी उसका अच्छा होता है। और डो डॉग का मिक्स ब्रीड का जो क्वालिटी होता है उसमें, तो ये थोड़ा बहुत एग्रेसिव भी हो सकता है कोई कोई कल्सर स्पीच तो। और मेनली इनको पसंद करने का और एक रीज़न है, जैसे कि ये क्रॉस ब्रीड है तो बहुत सारे लोगों को ये दिमाग में आता है कि क्रॉस ब्रीड का थोड़ा सस्ता दाम में मिलता है, तो इसलिए भी इसका दाम थोड़ा कम होता है और वैरायटी ऑफ कलर उसमें आपको दिखने को मिल सकता है। और ऐसे ही कालसा स्पीच का मेरा चैनल पे एक गिव अवे चल रहा है, जिसका रिजल्ट का अनाउंसमेंट करूँगा फर्स्ट 2000। आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके साथ में जो बेल आइकन आता है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले से मेरे मोबाइल में आ जाए। ना दोस्तों, बात करते हैं कुछ कालसा स्पीच के सेल्स के बारे में। अभी गुवाहाटी में बहुत सारा कालसा स्पीच मेरा सेलर के पास अवेलेबल है, अगर वो भी आपको खरीदना है तो सेलर का नंबर दिख रहा है, उसमें कॉल करके आप डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये क्रॉस ब्रीड है तो बहुत ही मतलब थर्टलेस क्वालिटी का पप्पीज है या बहुत ही वीक ब्लड लाइन का पप्पी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये काफ़ी अच्छे हेल्थ का है, अच्छे कलर का है, ये आप जैसे देख सकते हैं। और उसका हेयर्स भी बहुत लॉन्ग हेयर में है तो आप बेहिचक इनसे खरीद सकते हैं। और दोस्तों, आप लोग भूल मत करिएगा, क्योंकि ये देखने में थोड़ा लासा जैसा लगता है और सिज्जू जैसा भी लगता है, लेकिन कालसा स्पीच का थोड़ा अलग ही पहचान होता है। उनका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, बहुत रेयर कलर का कॉम्बिनेशन उनको मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही कोई पप्पी का ज़रूरत है, मतलब रिक्वायरमेंट्स है, तो सेलर का नंबर दिख रहा है, उसमें कॉल करके आप डायरेक्टली जी तस्वीर ले सकते हैं। ये ऑल ओवर असम में नॉर्थ ईस्ट में डिलीवरी हो जाएगा। और होपफुली मेरे हिसाब से कालसा स्पीच के ऊपर यही मेरा फर्स्ट वीडियो है। मैंने बहुत वीडियो सर्च किया लेकिन उसका डिटेल्स के बारे में कोई वीडियो मिला नहीं, तो मेरे को लगा चलिए दोस्त लोगों के लिए एक वीडियो बना देते हैं, थोड़ा डिटेल्स देके कैसे बनता है कालसा स्पीच और क्या होता है एक्चुअली ब्रीड और कहाँ से ओरिजिनेट होता है। ये दोस्तों कहीं से ओरिजिनेट नहीं होता है, इसको क्रॉसली मिक्स ब्रीड करके बनाया जाता है। तो होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, सर को लाइक करना, शेयर करना, चैनल में नया तो सब्सक्राइब कर देना और साथ में आपका फेलोवेल कमेंट्स करना मत भूलना।